हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटेड रेडियोग्राफी आज के वीडियो में हम कंप्यूटेड रेडियोग्राफी का इंट्रोडक्शन इसके हिस्ट्री और यह किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो आइए जानते हैं कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के बारे में कंप्यूटेड रेडियोग्राफी मतलब कंप्यूटर की हेल्प से रेडियोग्राफी करना सबसे पहले कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं इसे सी सिस्टम भी कहा जाता है फ्रेंड्स कंप्यूटेड रेडियोग्राफी से पहले क्या होता था कि जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी होती है मतलब जो पुरानी रेडियोग्राफी होती थी उसमें एक कैसेट होती थी और उस कैसेट में एक फिल्म होती थी उसको एक्सरे से एक्सपोज करके डार्क रूम में प्रोसेसिंग किया जाता था जिसे हमें इमेज मिलती थी लेकिन अब कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की जगह अब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी की जाती है फ्रेंड्स यह जो डायग्राम आप देख रहे हैं यह है कंप्यूट रेडियोग्राफी होती है सीआर आल्सो कॉमनली नॉन एस फोटो स्टेमुलेबल फॉस्पर इमेजिंग मतलब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी को आमतौर पर फोटो स्टेमुलेबल फॉस्पर इमेजिंग के रूप में भी जाना जाता है और फोटो स्टिमुलेबल फोस्पर को पी एस पी भी कहा जाता है पी एस पी प्लेट इन यूज इन सी आर मतलब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में पी एस पी प्लेट का यूज किया जाता है सी आर इज ए डिजिटल रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल एक्स रे फिल्म रेडियोग्राफी मतलब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी कन्वेंशनल एक्स रे फिल्म रेडियोग्राफी का एक डिजिटल रिप्लेसमेंट होता है मतलब आज के टाइम कंप्यूटर के द्वारा अब डिजिटल रेडियोग्राफी की जाती है मतलब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी कैसेट को एक्सपोज तो कन्वेंशनल एक्सरे मशीन मतलब पुरानी एक्सरे मशीन से किया जाता है लेकिन जो डाटा कैप्चर किया जाता है वह प्रोसेसिंग डिजिटली रूप से की जाती है ए डिजिटल वे ऑफ डूइंग जनरल रेडियोग्राफी विथ कन्वेंशनल एक्सरे मशीन मतलब सी आर सिस्टम कन्वेंशनल एक्सरे मशीन के साथ जनरल रेडियोग्राफ करने का एक डिजिटल सिस्टम होता है सी आर यूजेज ए फ्लैक्सीबल फॉस्पर इमेजिंग प्लेट टू कैप्चर डिजिटल इमेज इंस्टेट ऑफ कन्वेंशनल फोटोग्राफिक फिल्म मतलब सी आर सिस्टम में कन्वेंशनल फोटोग्राफिक फिल्म मतलब जनरल रेडियोग्राफिक फ़िल्म के बजाय इसमें डिजिटल इमेज को कैप्चर करने के लिए एक फ्लैक्सीबल फॉस्पर इमेजिंग प्लेट का यूज किया जाता है प्रोसेसिंग द डाटा डिजिटली टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी रेडियोग्राफिक इमेजेज इन सी आर मतलब सीआर सिस्टम में हाई क्वालिटी रेडियोग्राफिक इमेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए डाटा को डिजिटली रूप से प्रोसेसिंग किया जाता है जिससे हमें हाई क्वालिटी वाली इमेज मिलती है अब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं 1973 गॉर्ज लकी कोडक पेटेंटेड द फर्स्ट ऑप्टिकल स्कैंड स्टोरेज फास्फोर सिस्टम मतलब 1973 में गोर्ज लक्की कोडक कोडक एक कंपनी का नाम है उसने सबसे पहले वैकल्पिक रूप से स्कैन किए गए स्टोरेज फॉस्पर सिस्टम का पेटेंट कराया था इन 1975 लक्की प्रोसेसिंग स्टोरेज एक्सरे इमेजेज इन फॉस्पर स्क्रीन मतलब 1975 में लक्की ने फॉस्पर स्क्रीन से एक्सरे इमेज को स्टोर करते हुए प्रोसेसिंग किया था 1983 फ्यूजी वाज फर्स्ट टू कमर्शलाइज्ड ए सिस्टम मतलब 1983 में फ्यूजी कंपनी ने फर्स्ट टाइम सीआर सिस्टम को कमर्शियल यूज के लिए मार्केट में लाया था फ्यूजी एक जापान की कंपनी है अब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी किस वर्किंग प्रिंसिपल पर वर्क करती है इसके बारे में जानते हैं बेस्ट अप ऑन पी प्रिंसिपल मतलब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी पी प्रिंसिपल के बेस पर वर्क करती है पी एस एल मीन्स फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस यहाँ पर फोटो मीनस लाइट स्टोमलेबल मीन्स एक्साइटेड या उत्तेजित करना लुमिनी मतलब लाइट का इमिशन करना होता है सीआर एम्प्लॉयज ए फॉस्फर विच वर्क ऑन पी एस एल प्रिंसिपल मतलब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में एक फॉस्फर मटेरियल होता है जो कि पी एस एल के प्रिंसिपल पर वर्क करता है जो फॉस्फर होता है वह यूरोपियम एक्टिवेटेड बेरियम फ्लोरोहेलाइड से बना होता है वीडियो के लास्ट में अपन इसको एक डायग्राम के हेल्प से भी समझेंगे वेन द सी आर इमेजिंग प्लेट इज एक्सपोज टू एक्सरे जब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी इमेजिंग प्लेट मतलब फोस्पर को से एक्सपोज किया जाता है फॉस्पर लेयर एब्जॉर्वर एक्सरे फोटो एंड स्टोर इट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेब्ड इलेक्ट्रॉन मतलब फॉस्पर को एक्सरे से एक्सपोज करते हैं तो जो फॉस्पर लेयर होती है वह एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्व कर लेती है तथा लेयर एनर्जी को ट्रेप्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में स्टोर कर लेती है तो इसे अपन लेटेंट इमेज कहते हैं जो लेटेंट इमेज होती है वह इनविजिबल इमेज होती है मतलब यह अदृश्य इमेज होती है इन सिया रेडर पी प्लेट इज स्टिमुलेट स्कैंड बाई रेड लाइट मतलब लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सीआर रीडर की आवश्यकता होती है इस सी रीडर के द्वारा पी प्लेट को रेड लेजर लाइट से स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित या स्कैन किया जाता है फॉस्पर विल इमिट ब्लू लाइट मतलब पी प्लेट को स्कैन करने के बाद फोस्पर से एक ब्लू लाइट इमिट होती है जिसे अपन ल्यूमिनीसेंस कहते हैं द अमाउंट ऑफ ल्यूमिनीस इज प्रपोर्शनल टू द रेडिएशन एक्सपोजर मतलब जो ल्यूमिनीस होता है वह रेडिएशन एक्सपोजर के डायरेक्ट प्रपोर्शनल होता है ल्यूमिनीसेंस प्रपोर्शनल रेडिएशन एक्सपोजर अब इस डायग्राम की हेल्प से प्रिंसिपल को समझते हैं यह इमेजिंग है प्लेट होती है और इसमें फोस्पर होता है अपन जब इस फोस्पर को रेडिएशन या एक्सरे फोटोन देते हैं तो फोस्पर इस रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है तो इस एब्जोर्व की गई एनर्जी को अपन लेटेंट इमेज कहते हैं यह इनविजिबल इमेज होती है फिर अपन ने स्टोर किए गए फोस्पर को दोबारा इस रेड लेजर लाइट से एक्सपोज करते हैं तो इस फोस्पर में स्टोर की गई एनर्जी एक ब्लू लाइट में इमिट होती है जिसे ही अपन ल्यूमिनीसेंस कहते हैं और जो यह ल्यूमिनीसेंस होता है वह है इस रेडिएशन एक्सपोजर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अपन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के बारे में बात करेंगे